कोरोना वायरस ने देश बदल दिया, दुनिया बदल दी, लेकिन एक जमाती है जो बदलने का नाम नहीं ले रहे। कानपुर के हैलट अस्पताल में एक बार फिर जमातियों पर बदतमीजी करने का आरोप लगा है। हैलट में जमातियों ने फिर की बदसुलूकी। बिरयानी नहीं देने पर वार्ड बॉय को तमाचा मारा। मना करने के बाद भी मजमा लगाने का आरोप। कानपुर के हैलट अस्पताल में कोरोना संक्रमित 60 जमातियों का इलाज चल रहा है, जहां उन्हें दो बार खाना दिया जाता है। खाने के अलावा फल भी दिए जाते हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल का आरोप है कि जमाती बिरयानी की मांग करते हैं, नहीं मिलने पर हंगामा करते हैं। उन्होंने खाना देने गए वार्ड बॉय को भी पीटा। कहीं से कोई कमी नहीं है, फिर भी ये बहुत उपद्रव कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, अच्छा नहीं बोल रहे। और हद तो तब हो गई है जब इन्होंने कल वार्ड बॉय ने जब थाली को लात मारी तो वार्ड बॉय ने कहा ये क्यों कर रहा है, और रोकने की कोशिश की कि इतना महंगा खाना आता है और अन्न है, हम लोग को आपको मालूम है अन्न पे लात नहीं मारते और इस तरह बर्बाद नहीं करते। कितने लोग को अभी लॉकडाउन में खाना नहीं मिल रहा है और ये इस तरह फेंक रहे हैं, और इनको और अच्छा चाहिए, बिरयानी चाहिए, इनको नॉनवेज चाहिए, इस तरह का खाना। ये तस्वीरें कानपुर के ही कांशीराम अस्पताल की हैं, जहां मदरसा से लाए गए एक मरीज ने दरवाजा तोड़कर भागने की कोशिश की। अस्पताल के इस कमरे में टूटे पड़े शीशे गवाही दे रहे हैं कि किस कदर मरीज ने बवाल काटा। ये तस्वीरें रुड़की की हैं। यहां भी निजामुद्दीन से आए जमातियों ने कई बार हंगामा काटा था, लेकिन सख्ती के साथ 138 जमातियों को 14 दिन क्वारंटीन किया गया। अब सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद रमजान के पाक महीने में उन्हें घर रवाना कर दिया गया। कानपुर के रंजसिंह।